10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। 7:30 बजे नश्तर पार्क में एक बड़ी मजलिस मुनाकिद होगी। मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से मुकर्रा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज़ बुखारी से। जी फयाज़ बुखारी, बताइएगा जुलूस की गुजरगाह पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से निश्तर पार्क से एक मरकजी जुलूस बरामद होगा। इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और वॉक थ्रू गेट के जरिए अजादारों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो रात गए ही अजादारों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पे नुमाइश चौरंगी पर मौजूद रही, जबकि अगर मरकजी जुलूस की बात की जाए तो 7:30 बजे निश्तर पार्क में एक बड़ी मजलिस का इनेकाद किया जाएगा जो कि तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहेगी, और उसके बाद 9 बजे के करीब मरकजी जुलूस निश्चय पार्क से बरामद होकर अपने मुकर्रा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह की जानिब रवा दवा होगा, जिसमें शहरियों और अजादारों की बड़ी तादाद शरीक होने जा रही है। जबकि अगर इस पूरे मरकजी जुलूस की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वह सबीलों का अहतमाम किया गया है। रेंजर्स और पुलिस के अगर एहलकारों की बात की जाए तो तकरीबन 7,000 के करीब जो है वह जवान तैनात किए गए हैं। स्नाइपर्स को ऊंची इमारतों पर बिठा दिया गया है, जबकि सीसीटीवी कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर हजारों के करीब जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है और अजादारों की आसानी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नजर नियाज का सिलसिला भी जारी है, और इसके साथ ही सबीलें भी लगाई गई हैं। इसके साथ अगर कैंप्स की बात की जाए तो एमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद है जो कि कैंप्स पर खास तौर पर पहली जो इमदाद दी जाती है उसके लिए ब्रोए कार लाई गई है, उसे वक्त पर बिठाया गया है। इसके साथ ही जो है वो अजादार और शहरियों की जो आज तादाद है वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। 8 मुहर्रम को भी लोग थे, 9 को भी लोग थे, और आज 10 मुहर्रम को उम्मीद की जा रही है कि मरकजी जुलूस में लाखों की तादाद में मजमा जो है वो शरीक होगा और नुहा खवानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मातमी जुलूस भी साथ साथ चलता रहेगा, जबकि इसके साथ ही स्काउट्स की टीमें जो है वो अव्वल दस्ते में। फयाज बुखारी, आपने इस हवाले से अपडेट किया।